जो मेडल भी हमने जीते हैं वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा दें। कम की गाली गलौज कर रहे हैं वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है। पॉलिटिकल ये है, आप प्रधानमंत्री जी से आप हमारी बात करवा दो, गृह मंत्री जी से बोलो हमें बुला लें, हमारे न्याय दिलवा दो, हमारा कैरियर हमारी जिंदगी दांव पे लगा के ऐसे ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे, उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है, मेरी अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी है, तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा कि भाई आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं इन लोगों को, शराब पी के वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। बजरंग, आप लोग तीनों को लड़ते हुए देखा है टॉप लेवल पे, जीतते हारते भी देखा है, लेकिन कभी ऐसे आप लोग रोए नहीं इस तरीके से? देखिए, देश की ऐसी स्थिति हो रही है कि महिला बेटियां देश की यार रोड पे बैठ के दया की भीख मांग रही है, किसी के कानों में अब तक रू भी नहीं चली है कि हम इनको न्याय दिला दें। क्या आपकी मतलब सरकार किसी ने रीच आउट करने की कोशिश की है? हमारे पास किसी से कोई कॉल नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से यही बोलूंगा कि अगर आप राजनीति से ऊपर उठ के इन महिलाओं को अगर न्याय दिला सकते हैं तो पूरा देश आपका आभारी रहेगा। कल पीटी उषा आएंगी, उन्होंने आपसे पूछने, उन्होंने वही क्या हम आपके साथ में, हम आपका भला चाहते हैं, आप ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दो, तो मैं बोली हम भी चाहते हैं मैम, अगर आप चाहते हो तो आप एज ए आईओ अध्यक्ष आप संसद में हमारी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आप खुद सांसद हैं, आप हमारी लड़ाई लड़ सकते हो, आपके हाथ में भगवान ने इतनी बड़ी पावर दी है कि आप इंडिया के स्पोर्ट्स को क्लीन कर सकते हो, तो आप वो कर दीजिए। जो चीज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इनडायरेक्ट में मैं वही हो रहा था कि आप उठ के चले जाओ, ट्रेनिंग कर लो, और कार्रवाई तो चल ही रही है, लेकिन फिर हमने कि हम जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीज चली गई है उसके ऊपर हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने जो अनुशासन बोले थे, उन्होंने अपने बयान वापस लिया और वो बोले कि मेरे बयान को मिस प्रिंट किया गया है, मिस वो किया गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। लेकिन विनेश, आपको लगता नहीं कि पूरे इस धरने प्रदर्शन को आपकी पूरी मुहिम को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है अब धरना देके शुरू हो चुका है, तमाम जगहों पर बैरिकेड लगा दिया गया है, किसी को अंदर? भैया सुनो सुनो, पॉलिटिकल ये है, आप प्रधानमंत्री जी से आप हमारी बात करवा दो, गृह मंत्री जी से बोलो हमें बुला लें, हमारे न्याय दिलवा दो, हम कौन से, हमारा कैरियर हमारी जिंदगी दांव पे लगा के बैठे हैं। आप लोग अगर आप लोगों की बहन बेटे यहाँ बैठे होती तो आप राजनीति मुद्दा करते क्या? अलग आदमी सब लगते हैं। आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन बेटी यहाँ बैठी होती तो आप ये सवाल पूछते क्या? अभी राजनीति मुद्दा है ये, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग ही जवाब दे दीजिए, हर जगह इसको राजनीति मोड़ दे रहे हो आप लोग भी, आप ही बता दीजिए हमें। हमारे रात को भी जब ये झगड़ा वगड़ा जो भी हो रहा था ना, उसी टाइम आईटी सेल हमारे बीच में एक्टिव हो गई थी, उसी टाइम आईटी सेल एक्टिव हो गई थी, बातें बोल रहे थे, अलग अलग बयान दे रहे थे जानबूझ के, ताकि कि मीडिया की वो हो कि इसने वो बोल दिया या इसने वो बोल दिया, मेरे मुंह से कुछ निकल गया, आईटी सेल वाले ने कुछ और बोल दिया, उनके लोग तो भी एक्टिव हो गए थे हमारे बीच में, उसी टाइम झगड़ा होते ही पता नहीं आसपास में बैठे रहते हैं क्या घुस रहा था, रात को एक आदमी इधर घुसा, जैसे इसको सामान लेके भाग गया इधर से, जैसे मैं बोली कि अब रुको रुको रुको, वो भाग लिया स्पीड से उधर से हमारे थे, अभी हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं था, वो झगड़ा चल रहा था उसमें, वो आदमी पुलिस ने अंदर भेजा था क्या था, वो पूरी हर तरीके से कोशिश की जा रही है, हर तरीके से जितना भी हो सकता है, इतना नीचा लेवल मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा जो ये नीचा लेवल चल रहा है हमारे साथ में।